वेलकम बैक टू टेक्निकल्स एसके चैनल। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन भाइयों के पास कमर्शियल व्हीकल है, यानी नीली नंबर प्लेट वाली कार है, चाहे वो पैसेंजर कार हो चाहे गुड्स वाली हो, उसका हम जो साल का ईयरली परमिट का जो फीस होता है, हम उसको ऑनलाइन कैसे पेमेंट कर सकते हैं घर बैठे। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारा जो ईयरली परमिट होता है, उसका हम फीस अपने मोबाइल या लैपटॉप से ऑनलाइन कैसे जमा कर सकते हैं, वो भी कहीं पे जाए बगैर। सो फ्रेंड, ये देखने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद आपको क्रोम खोलना है। क्रोम पे आपको लिखना है परिवहन। मैं यहाँ परिवहन लिखूंगा। उससे पहले देख लेना आपको नेट कनेक्ट है कि नहीं है। तो मेरा नेट कनेक्ट नहीं है। एक बार नेट को मैं कनेक्ट कर लूँ वाईफाई को, तो मेरा वाईफाई जैसे देख सकते हैं यहाँ कनेक्ट हो गया है। वाईफाई कनेक्ट होने के बाद आपको क्रोम पे लिखना है परिवहन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ परिवहन। परिवहन लिखने के बाद आपको सर्च करना है। अब जैसे ही सर्च करेंगे, जो सबसे पहला जो है टॉप पे वेबसाइट, इसको ओपन करना है आपको। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद रुकिए, आप वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ पे फिर ऑनलाइन सर्विस पे आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन सर्विस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यहाँ नीचे लिखा हुआ आएगा ऑल इंडिया परमिट ऑथराइजेशन, तो इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नेक्स्ट विंडो आएगी। तो नेक्स्ट विंडो में आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आप परमिट के लिए रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आपका अगर पेमेंट फिल हो जाता है, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं पेमेंट कैसे फिल हुआ। और हम परमिट रिन्यूअल करेंगे। परमिट रिन्यूअल करने के लिए हमको यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट विंडो आ जाएगी। नेक्स्ट विंडो आने के बाद यहाँ सेलेक्ट स्टेट करने के लिए कह रहा है, तो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। तो मेरी गाड़ी दिल्ली की है, तो इसके अंदर जो स्टेट दिखा रहा है, अगर आपका स्टेट नहीं दिखाता तो आप अदर स्टेट कीजिएगा। अदर स्टेट करके फिर नीचे आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपसे मिलता हूँ। फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और यहाँ पर आपको चैचिस के जो लास्ट के 5 अंक होते हैं वो डालना है। तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। तो देखिए, आप ये डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे, तो आपकी गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी खुल के। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक मिनट गेट डिटेल कर रहा हूँ, ये गेट डिटेल पे क्लिक करते ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये नीचे आपकी गाड़ी का सारा इन्फॉर्मेशन है। आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 500 रुपये है ईयरली फीस। और ये देख सकते हैं कब से कब तक की वैलिडिटी है। और वैलिडिटी चेक करने के बाद हमको ईयरली करना है, ईयरली का में पेमेंट करना है। तो हम ईयरली पे यहाँ क्लिक करेंगे। ईयरली पे जैसे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने यहाँ नीचे 500 और प्लस 25,000 ये दिख रहा होगा। तो आपको ये देख के घबराना नहीं है, आपको बस ऊपर ये जो है ऊपर लिखा हुआ ऑल इंडिया परमिट मतलब AITP, इस जो क्लिक है, इसको जैसे ही आप अनचेक करेंगे, तो अनचेक करने के बाद आपको जो है जेन्युइन फीस दिख जाएगी, जो सालाना का फीस होता है, यानी ईयरली फीस दिख जाएगा। तो आप यहाँ ईयरली फीस देख लेंगे, एक बार अपना मैच कर लेंगे सारा डिटेल्स। अपना सारा डिटेल मैच करने के बाद फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो अपलोड होगा। और फिर उसके बाद ये देखिए, वैलिडेट डाटा सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं पेमेंट या अदर कोई प्लेटफॉर्म से। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, नेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे हम नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे। आपको अपने हिसाब से पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ नीचे इस चेक बॉक्स पे आपको यहाँ पे देख लीजिए क्लियर, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फिर आपको मेक प्रोसेस पेमेंट प्रोसेस पे क्लिक करना है। पेमेंट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने लोड होएगा विंडो। तो उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, मैसेज आ जाएगा आपके सामने, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। एक मिनट रुकिए, लगता है कुछ गड़बड़ी हो गई है। वो हुआ यूँ था कि मैंने जो इसके अंदर ये कैप्चा कोड है, उस कैप्चा कोड को गलत भर दिया था। आपको एकदम सेम देख लेना है कैप्चा कोड, और एकदम राइट कैप्चा कोड भरना है। तो
कैप्चा कोड में एक बार राइट कर लेता हूँ। एकदम राइट कैप्चा कोड भरने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस पे क्लिक करना है। पेमेंट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, लोड होएगा। लोड होने के बाद नेक्स्ट विंडो आपके सामने खुल के आएगी पेमेंट करने के लिए। देखिए नेक्स्ट विंडो खुलने, सर्वर डाउन हो गया। तो इस समय सर्वर डाउन हो गया तो हम दोबारा से ये सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स इस समय सर्वर डाउन चल रहा है। सो फ्रेंड इसके आगे का प्रोसेस, अगर सर्वर अगर ठीक रहा, चलता रहा, तो मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है इससे आगे। इसके आगे ही आपके सामने पेमेंट गेटवे आएगा। तो पेमेंट गेटवे पे आपको अपना जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है नेट बैंकिंग का, और उसको डाल के आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट जैसे ही करेंगे तो आपके सामने स्लिप जनरेट हो जाएगी। उस स्लिप को आपको प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट करने के बाद उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना परमिट लेने के लिए, तो परमिट डाउनलोड करने के लिए फिर से हम उसी वेबसाइट पे जाएंगे, परिवहन पे जाएंगे हम। दोबारा से वेबसाइट ओपन करेंगे। ये वेबसाइट ओपन हो गई, फिर से हमें ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करना है। ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करते ही ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करेंगे तो नीचे ये सारी विंडो आ जाएगी। तो आपको इस वाले विंडो पे AITP पे ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही विंडो खुल के आ जाएगी। सो फ्रेंड आपको अपना परमिट प्रिंट करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे जाना होगा। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक हेयर जो लिखा है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा और चाचीस नंबर के 5 डिजिट डालने पड़ेंगे लास्ट के। तो फिर उसके बाद डालने के बाद आपको जो प्रिंट एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट है इसको क्लिक करना है। अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई होगी तो आपका परमिट आ जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके सेव करके आप उसे प्रिंट आउट निकलवा के आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।